रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। बेतिया पश्चिम चंपारण लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया अस्पताल रोड स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहा हूं। नितिन गडकरी रक्सौल व बेतिया आ रहे हैं, आने का मुख्य उद्देश्य है गंडक के गाद निकलने का कार्य अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा, जिससे बैरिया सहित अन्य गंडक किनारे इलाकों में बाढ़ का डर समाप्त हो जाएगा। इसमें 3 टर्मिनल बन रहा है, पखनाहा टर्मिनल बनेगा जिससे पानी के रास्ते नेपाल में समान जाएगा। NH 27 को खुशीनगर से पखनाहा होते हुए मनुआपुल तक बनेगा, इसका कल शिलान्यास करेंगे। इसका पूर्व शिलान्यास 1 मार्च 2019 प्रधानमंत्री कुशीनगर से करेंगे, जिसमें कुशीनगर हवाई अड्डा पखनाहा व टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। NH 27 के लिए 1085 करोड़ रुपया सड़क के लिए राशि आवंटित हो चुकी है। रामविलास पासवान व चौधरी जी आ रहे हैं सेल का शुरुआत करने, रैक पॉइंट से माल ढुलाई का कार्य के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। बेतिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। उसके बिहार योजना का भी वह शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरी योजना का शिलान्यास 1 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे उसी समय इस पूरी योजना का शिलान्यास होगा। और ये गंडक के गाद निकालने से जो मेरा नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र है उसकी बाढ़ आने की जो समस्या थी वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। और यह पुल बन जाने के बाद कुशीनगर से रक्सौल के बीच की दूरी 60 किलोमीटर घट जाएगी दिल्ली से, और यह दिल्ली नेपाल के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग हो जाएगा।